हेलो गाइस, दिस इज़ अभिषेक और अब बहुत ही कम दिन बचे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए और सब जो हैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस होंगे। ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि 4 दिन बाद या 5 दिन बाद एग्ज़ाम्स आपके, यानी कि कमिंग मंडे को एग्ज़ाम है और आप सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे प्रिपरेशन, क्या करेंगे प्रिपरेशन। और बहुत लोगों के मन में जो है ये क्वेश्चन आता है कि अब जो है पूरा साल वेस्ट हो गया, सिर्फ एक हफ्ता बचा है, पूरा इंग्लिश का सिलेबस बचा है, कैसे करें। और पिछले प्री बोर्ड्स में या फर्स्ट टर्म में आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो आप सोच रहे होंगे कि यार क्या करें, अब कैसे करें, कैसे लिखेंगे, वहाँ करेंगे क्या, मतलब इंग्लिश का पेपर इतना लेंदी होता है, कैसे इतनी जल्दी प्रिपेयर करें। तो मेरी तरफ से ये मैं कहना चाहूँगा आपको कि डरने वाली ना इतनी सी जो बात होती है ना वो भी नहीं है, क्योंकि जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो होता ही एक हफ्ते के लिए होता है, जो लास्ट हफ्ते में प्रिपेयर किया जाता है 3-4 दिनों में। ये 3-4 दिनों में इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है कि आप नहीं भी तो अगर आप दिल से प्रिपेयर करोगे ना 3-4 दिन लगातार मेहनत करके तो आराम से 90+ मार्क्स आ सकते हैं अगर आप उसमें लगन दोगे तो। अब यार जो बहानेबाज आदमी है वो तो यार कुछ भी करे तो बोलता ही रह जाएगा, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो उन्हीं के लिए मैं थोड़ी सी अपने तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। हम सब मिलजुल के ये काम कर रहे हैं तो 3-4 दिनों में हम 3-4 वीडियोज़ बनाएंगे जिनके ऊपर पूरी कम्प्लीट जो है समरीज़, नॉवल समरीज ऑफ नॉवल और ये फ्लेमिंगो अलग, विस्टाज अलग, रीडिंग सेक्शन अलग, राइटिंग सेक्शन अलग, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको डिस्कस करेंगे, यानी जो भी हेल्पफुल मटेरियल होगा मेरी तरफ से मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मेरी तरफ से ये अभी जो ये है पहली वीडियो है Day 1 जिसको मैं बोल रहा हूँ फ्लेमिंगो की प्रिपरेशन के लिए है, उसमें हम क्या करेंगे और कुछ आपके डाउट्स हैं जो विग्रसली मतलब आते जा रहे हैं लगातार, ठीक है, वो आते जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में जो मैंने पहले अभी बोर्ड पे लिख लिए हैं कि क्या क्या आपके डाउट्स हैं, क्या उनका सलूशन है या क्या मेरी तरफ से जो हैंडल करने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास जो इतनी मैं बोलता जा रहा हूँ, धीरे धीरे अब वीडियो को स्टार्ट कर ही देते हैं ताकि हम सॉर्ट आउट तरीके से मतलब एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जा सके, ठीक है। तो पहला जो तरीका हमारे पास है, मतलब पहला जो तरीका बोल रहा हूँ मैं, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आया है कि जो काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि आंसर्स को फ्रेम कैसे किया जाए। पहले मैं बता दूँ इस वीडियो में पहले मैं इन ये जो 10 कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है प्रिपेयर करने से पहले, उसके बाद इसमें हम फ्लेमिंगो के हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, उनकी समरी पढ़ेंगे, पहले मतलब समरी को डिस्कस करेंगे एकदम छोटे तरीके से, जो ज़रूरत है उतना ही करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे बाहर से वो मैं यहीं पे वीडियो के साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस करना है। आप पॉज करेंगे वीडियो को, आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे जो भी मैं बोल रहा हूँ, फिर आप आगे प्ले करेंगे। ऐसे फालतू में वीडियो देखने को मतलब नहीं है क्योंकि वीडियो होने वाली लेंदी, तो अब मैं चाहता हूँ आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ये हो सकती है 45 मिनट्स की हो, 1 घंटे की हो, तो इतनी हो सकती है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना से ज़्यादा आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं उतना करें, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, लिख रहे होगे जब, तो आपको उस टाइम पे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, आपको कुछ छोड़ना नहीं, हवा पानी आग जो करना है वो भर के आ जाना उसमें, ठीक है, कुछ भी छोड़ के मत आना, ठीक है। तो जो आपके डाउट है पहले वो क्लियर कर दूँ मैं, वरना आप मेरे को गाली लिखोगे कमेंट में तो अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है। तो पहला है हमारे पास आंसर फ्रेमिंग टिप्स कि आपको आंसर फ्रेम करना है, आपको आपकी ग्रामर वीक है। अब जिनकी ग्रामर अच्छी है वो तो किसी भी तरीके से आंसर फ्रेम कर ही लेते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जिनकी ग्रामर वीक है वो क्या तरीका अपनाएं, तो उनके लिए एक ही तरीका है, यार भाई ग्रामर वीक है ना तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कमज़ोरी है तुम्हारे अंदर, वीकनेस है, कुछ दिन बचे हैं, तो भाई पहले तुम आंसर्स को पढ़ो, पहले से बहुत सारे आंसर्स को पढ़ दो। और इंग्लिश में क्या है, पढ़ना है और लिखना है, इस तरीके से प्रिपेयर करना है आपको। आपको क्या करना है, इंग्लिश में पढ़ना है और लिखना है, इस तरीके से प्रिपेयर करना है, पढ़ते रहिए लिखते रहिए, पढ़ते रहिए लिखते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। तो आंसर फ्रेम करने का तरीका यह है, आपको जो है कुछ जैसे कुछ जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो मैं बताऊंगा, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। और जिनको आंसर फ्रेम करने में दिक्कत आती है कि कुछ गड़बड़ ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, तो आप क्या करेंगे, उन कीवर्ड्स को लिखेंगे, उनको अंडरलाइन करेंगे ताकि टीचर आपका जो है इम्प्रेस हो जाए और आपकी उतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक को ना ऑब्जर्व करे और आपके जो है जो आपने सीखा है उस चैप्टर से उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करे, ठीक है। तो आंसर फ्रेम करने का ये तरीका बेटर है कि आपको जो है कीवर्ड्स पहले से पता होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिख के देखो, मैंने कितनी बार बोला है लिखते रहो,
जो प्रिपरेशन कर रहे हो इंग्लिश की, तो इंग्लिश में नंबर लाने का एक ही तरीका है, आपको लिख लिख के देखता है, आपने आपको कॉपी भरनी है, घर पे लिख के नहीं, ये प्रैक्टिस रहेगी तो वहाँ जाके आप 3 घंटे में आपके हाथ नहीं दुखेंगे, आप लगातार लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये काफ़ी इफेक्टिव है आंसर फ्रेम करने का, कि आपको पहले से लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप पूरी समरी, आपको पहले तो आपको पूरी स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। आपके हिंदी में पता है आपको फ्रेम नहीं हो पा रहा, ठीक है, आप क्या करेंगे, जितने भी आंसर्स हैं उनको पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, फिर एक बार मतलब पहले पढ़ेंगे फिर देख के लिखेंगे, फिर एक बार दोबारा पढ़ेंगे, फिर एक बार बिना देखे लिखेंगे। तो ये जो तरीके हैं ये अपनाएं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपको आपकी वीकनेस है तो इसको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं होता है किसी चीज़ का कि आप चाहो कि यूं चुटकी बजाए और नंबर आ गए, नहीं, अगर आपकी वीकनेस है कोई तो उसको ओवरकम करना पड़ेगा। ये जो वो होता है ना, क्या कहते हैं यार, हाँ, जो हम इग्नोर करते रहते चीज़ों को कि यार हो जाएगा, वो मत करो, अपने आप को इग्नोर कब तक करोगे यार, अब तो 3 दिन बचे, अब तो कर लो काम, बस ये 3 दिन जो है अब दोबारा नहीं आने वाले, तो अब काम करो, ठीक है। तो ये था फ्रेम करने का तरीका, कि आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, कीवर्ड से याद रखने जो मैं बताऊँगा आपको हर चैप्टर से रिलेटेड, कि हर चैप्टर में ये मेन वर्ड है, अगर उस चैप्टर से आंसर आता है तो उसको ज़रूर लिखना है, और कुछ चीज़ें ऐसी लाइंस ऐसी हैं जो आपको हर आंसर में लिखना है, तो वो चीज़ आप पहले से लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर फ्रेमिंग टिप का, मतलब ये कवर हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है 6 मार्क्स का लिटरेचर क्वेश्चन आता है, तो उसमें पता नहीं चलता कि यार क्या लिखे क्या, मतलब अब 150 वर्ड भरना है हमें, और कभी कभी तो ये भी पता नहीं चलता क्वेश्चन क्या है, मतलब बोल क्या रहा है वो क्वेश्चन। तो इसको क्रैक करने का तरीका क्या होता है, मान लो वो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स की देखते पहले आपकी फटी होगी कि भाई इसमें लिखे क्या, क्या करें इसमें। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे एक बार, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आपको ये पता करना है वो किस चैप्टर से आया है, इतना तो पता कर ही सकते हो अगर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके जा रहे हो, तो इतना पता कर लेना कि कौन से चैप्टर का है। तो जैसे आपको चैप्टर पता चल जाएगा कि वो किस चैप्टर से आया है क्वेश्चन, उसके बाद आप उस चैप्टर की समरी अपने दिमाग में रिकॉल करोगे कि चैप्टर में बताया है, बोला क्या क्या जा रहा है। तो अगर उस उन बातों से जो समरी में बातें आपने पढ़ी हैं, उन बातों से अगर वो पॉइंट जो है, यानी कि वो जो क्वेश्चन है वो अगर क्लैश कर जाता है, मतलब मिल जाता है, तब तो आपके लिए बढ़िया बात है, आपको इंसिडेंट याद आ जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। लेकिन फिर भी आपकी अगर किस्मत गोबर है, आपको नहीं याद आया उस टाइम पे कि क्या बोला जा रहा है उस क्वेश्चन में, तो क्या करोगे आप कि उस चैप्टर से, यानी कि चैप्टर पता चल गया है जब, तो उस चैप्टर से जो भी आपको मैसेज मिला है वो आप लिखने की कोशिश करो। एक तरह से आपको समरी लिखनी है उस पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है, साफ साफ लिखना है पेपर को, साफ तरीके से अटेम्प्ट करना है। साफ लिखने मतलब ये नहीं कि जिसकी राइटिंग गंदी है या राइटिंग थोड़ी सी अजीब है तो वो डर जाए कि भाई हमारे तो कभी आ ही नहीं सकते मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं है। आपको साफ लिखने मतलब ये थोड़ी राइटिंग अच्छी लिखनी है, साफ लिखने मतलब कटिंग नहीं करनी है, अंडरलाइन करके रखना है, लाइनें खींच के बनानी है, पेपर को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ताकि आपको जो एग्जामिनर है उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़े, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके इंप्रेशन से ही आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। अगर आपने घचपच कर रखा है तो एग्जामिनर बोलेगा यार ये बच्चा दिमाग खराब कर रहा है, इसने मेरे टाइम वेस्ट कर दिया, इसको तो नंबर नहीं दूंगा मैं या नहीं दूंगी। तो इसलिए आपको एग्जामिनर के ऊपर अच्छे इंप्रेशन को क्रिएट करना है, ठीक है। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले चैप्टर को क्या करना है, चैप्टर को पता करना है कौन सा चैप्टर का है, फिर उसके इंसिडेंट को रिकॉल करने की कोशिश करनी समरी से, फिर अगर समरी याद आ जाती है और वो इंसिडेंट याद आ जाता है तो फिर तो आप लिखना शुरू कर दोगे, फिर उन कीवर्ड्स को यूज़ कर देना है उन चैप्टर से रिलेटेड जो भी आया, उस इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी पूछा जा रहा है, अगर वो आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रखा तो आप उसको लिखना शुरू कीजिए। और मान लो 6 मार्क्स का कितना लिखोगे, मतलब आपको कितना लगे कितना सफिशिएंट है, तो आप वर्ड लिमिट से क्या कहते हैं एक्सीड ना करें, मतलब आप बढ़ाए ना उस चीज़ को, उतना ही लिखो, और फालतू को भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो फालतू को भरने की ज़रूरत नहीं कुछ भी, ठीक है, आपको जितना आता है पहले उतना लिखो, और फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो समरी से है वो भर दो, एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें मत लिखना उसमें, ठीक है। और जो कीवर्ड्स आपने लिख दिए उसको अंडरलाइन करके आगे बढ़ो, ठीक है, ज़्यादा अपने हाथ पैर मत मारो उस क्वेश्चन को, जो नहीं आता तो उसमें फिर जितना बन रहा है उतना ही करो। तो ये था 6 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका जिसको समझ नहीं आता। फिर आता है सीक्वेंस अटेम्प्टिंग क्या चीज़ होती है। आपके सब कहते हैं कि यार सीक्वेंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्या, तो यार कोई गड़बड़ तो नहीं होती। जैसे मान लो पहले तो ये होता है कि एक सेक्शन को एक साथ अटेम्प्ट करो, फिर दूसरे सेक्शन को एक साथ अटेम्प्ट करो, फिर तीसरे सेक्शन को एक साथ अटेम्प्ट करो, मतलब कोई भी सेक्शन पहले आगे पीछे कर सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो अब ये लोग बोलते हैं कि इस सेक्शन में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर उस सेक्शन में से 2 कर लिए, तो ये मत करना, गलत नहीं होगा, आंसर सही होगा, नंबर मिल जाएंगे, लेकिन टीचर को हेडेक होता है चेक करते टाइम। तो टीचर का हेडेक यानी कि आपका
आपके मार्क्स का बलिदान. तो इस थोड़ी समझदारी दिखा के हमें क्या करना है, एक सेक्शन है उसमें शफल करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो. जैसे सिक्स के बाद टेंथ कर लिया सेम सेक्शन का तो वो चलेगा. लेकिन यार इंटर सेक्शन चेंज करना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. मतलब नंबर तो मिल जाएंगे, कुछ गलत नहीं होगा अगर आपने सही लिखा है तो, लेकिन वही इंप्रेशन वाली बात है. तो इंप्रेशन भी जमाना है हमें, क्योंकि यही तो करने जाना है हमें सीबीएसई में. तो ठीक है, ये भी चलेगा. सीक्वेंस आप कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर को. अब बात आती है टिप्स वर्सेस कन्वीनियंस. मतलब जो मैं यहाँ टिप्स दे रहा हूँ या आपको जहाँ भी कोई टिप दे रहा है कि ऐसे पेपर अटेंड करो वैसे पेपर अटेंड करो ये करो वो करो, और दूसरी जगह आपकी कन्वीनियंस कि आपको क्या सही लगता है, तो इन दोनों में आप अपनी कन्वीनियंस को प्रायोरिटी दे. आपको वही करना है जो आपको बेटर लगेगा उस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है ये. मैं तो यहाँ बैठे बैठे बोल रहा हूँ, मेरे थोड़ी है आपको पेपर देना. आप पढ़ रहे हो अभी तो आप बेटर समझते हो कि आपको क्या करना है उस चीज़ में. तो इसमें आप ये मत देखना कि यार उसने ये बोला था इसलिए मैं कर रहा हूँ, उसने वो बोला था इसलिए कर रहा हूँ. आपको उस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो आपको बेटर लगेगा, जो आपका डिसीजन रहेगा, वही आपको काउंट करना है और वही आपको लेना है. ठीक है, वही आपका मैटर करेगा. किसी की बात नहीं सुननी है. किसी की बात कब सुनते हैं, जब हम कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करें, कि अब समझ नहीं आ रहा. जब समझ नहीं आ रहा तब तो किसी की सुन लो. अब भाई जब तुम्हें लग रहा है कि यार ये करना ठीक रहेगा तब तो वही करो ना यार, जब समझ आएगी तो वही करो. इससे कोई मैटर नहीं, आप पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करो, सेक्शन बी अटेम्प्ट करो, सेक्शन सी अटेम्प्ट करो. अटेम्प्ट तो पूरा पेपर करना है, लेकिन एज पर योर कन्वीनियंस करना है, जैसे आपको कन्वीनियंस, जिससे आप पेपर पहले ख़त्म कर सकते हो. मैं तो यहाँ से आप अपनी सजेशन दूंगा कि जैसे मैंने अटेम्प्ट किया था जो बेटर रहता है. कोई और होगा तो कोई और ऐसे सजेशन देगा, लेकिन वो तो उनके तरीके ना. हम कौन होते हैं आपको बताने वाले, जज करने वाले, आप कौन क्या कर रहे हो. आप अपने पेपर को खुद अटेम्प्ट करोगे, आपका एक्सपीरियंस है ट्वेल्थ का, आपके बोर्ड के पेपर है. हम तो बस सजेस्ट कर सकते हैं ना, हाँ अपने कन्वीनियंस. मैं तो आपकी बात सुनने नहीं गया था तो आप भी मेरी बात क्यों सुनोगे, टिट फॉर टैट. ठीक है, तो जहाँ आपको कन्वीनियंट लगे वही चीज़ यूज़ करो. ठीक है, टिप्स को नहीं देखना है. और टिप्स को कब देखना, जब आप कन्फ्यूज रहो. ठीक है, उसके बाद हाउ सीबीएसई चेक योर पेपर. सीबीएसई में पेपर चेक कैसे होते हैं. सीबीएसई में पेपर जो चेक होते हैं वो बहुत ही लाइटली होते हैं, कोई वो हवा नहीं होता आपको. बस अगर आपका पेपर अच्छे से हो रखा है, आपने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. कोई डरने वाली बात नहीं है. जिसके कभी भी 95 नहीं आए हैं, जिसके 90 नहीं है, उसके आ जाते हैं. पूरी लाइफ में नहीं आए 95 मेरे कभी इंग्लिश में, फर्स्ट क्लास से लेके 11th क्लास तक कभी नहीं आए, लेकिन 12th में आ गए क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से दिया होगा पेपर, या सेटिंग थी मेरी सीबीएसई में समझ लो. ठीक है, तो सीबीएसई में आसानी, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इन सब बातों को भूल जाओ, ये बेकार की बात है. ठीक है, उसके लास्ट ईयर पेपर को पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं, नहीं ये ज़रूरी नहीं है. आप प्रिपेयर कर रहे हो वो मैटर करता है, कहीं से भी करो. आप ये मत सोचो कि लास्ट ईयर पढ़ूंगा तो मेरे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे या नहीं पढ़ूंगा तो कम मार्क्स आ जाएंगे या कुछ ऐसा. तो ऐसा कुछ नहीं, आपको प्रिपेयर करना करो, नहीं करना है मत करो. बस डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ से आपको मन लग रहा है करने में. ठीक है, तो ये भी हो गया. उसके बाद हाउ मच राइटिंग इज सफिशिएंट. किसी क्वेश्चन में कितना आंसर आपको लिखना है जिससे आपको लगे कि अब छोड़ देना मुझे ये करना. जैसे लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, स्पीच लिख रहे हो, या जो भी लिख रहे हो, तो आपको कब पता चलेगा कि छोड़ देना. जब आपको लगे कि अब ये बढ़ रहा है, अब मेरे थॉट्स यहाँ नहीं रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मैं बकवास लिख रहा हूँ इसमें, तब आपको वहाँ पे छोड़ देना है. उसको एंड करना है अच्छे तरीके से. आपको स्टार्टिंग अच्छे तरीके से करनी है आंसर की, एंडिंग अच्छे तरीके से करनी है, ये याद रखना है. अब एंडिंग में गोबर करके मत आना, ताकि टीचर मान लो एंडिंग पढ़ना शुरू करे, ये लिखे कि अरे भाई ये क्या लिख रहा बच्चा, तो ये मत करना. ठीक है, तो जब आपको लगे कि आपके थॉट्स ख़त्म हो रहे हैं और आंसर के वर्ड लिमिट भी अप्रोच होने वाली है, चाहे 10 वर्ड कम है 10 वर्ड ज़्यादा भी हो चुके हैं, तो वहाँ तक आंसर लिखना है और छोड़ देना है. ठीक है, और उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सबको लिख देना है, और बस इतना ही. ठीक है, तो ये हो गया हाउ मच राइटिंग इज सफिशिएंट. फिर बेस्ट वे टू प्रैक्टिस फ्लेमिंगो. अभी ये जो पहला दिन है हमारा, इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो फ्लेमिंगो की प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो वो किस तरीके से बेस्ट हो सकती है, मतलब किस तरीके से आपको पूरी निचोड़ के आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो, वो क्या है, तो वो फिर से वही है लिख लिख के प्रैक्टिस करने की. आपको हर चैप्टर की, देखो मान लो फ्लेमिंगो में जो है कुल मिला के 11 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 5 पोएम्स हैं और 6 वो हैं प्रोज हैं. तो पोएम्स को कैसे प्रैक्टिस करना है उसका अलग तरीका है, प्रोज को कैसे प्रैक्टिस करना है उसका अलग तरीका है. तो पोएम्स को आपको क्या करना है, सारे पोएम पता होने चाहिए कि सबके नाम क्या क्या हैं, सबके पोइट के नाम ज़रूरी है वो पता होने चाहिए. उसके बाद सब पोएम को एक एक बार पढ़ोगे, जितने भी पोएम हैं फ्लेमिंगो की बुक से वो सब एक एक बार पढ़ोगे. ठीक है, पोइट के नाम पर पढ़ लिए मैंने. उसके बाद क्या करोगे, आपको सबके मीनिंग पता होने चाहिए, सबका मीनिंग पता होने का कि मैसेज क्या मिल रहा है पोएम से, जो पोइट है वो कहना क्या चाहता है, कि पोएम में क्या बताया जा रहा है, कि
आपको मैसेज क्या मिला है वो पता होना चाहिए आपको पोएम से, ठीक है? तो ये है पोएम को पढ़ने का तरीका। इसके बाद चौथा तरीका क्या, मतलब चौथी बात क्या है कि आपको क्या करना है पोएम में। तीन तरीके तो ये कि मैसेज पढ़ लिया, पोएट का नाम पढ़ लिया, पोएम पढ़ लिया। अब क्या है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पढ़ सको उस पोएम से रिलेटेड, जितने भी आ रहे हैं पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। क्या कह रहे हो, पढ़ने की बात कर रहा हूँ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपको फिर से आपकी जो कन्वीनियंस थी आपको इंपॉर्टेंट लगा आपने मार्क कर लिया, उससे जो मैसेज को ज़्यादा स्ट्रांगली जो फेस करा रहा है, मतलब जो ज़्यादा सामने रख रहा है, उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा उसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, हर तरीके से प्रैक्टिस करनी, मतलब कि आपको पढ़ना है उसको लिख के देखना कि लिख के देख क्यों रहे हम, ताकि पेपर में अगर वो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप उस चीज़ को आसानी से लिख सको। उसमें फ्रेमिंग में ये काम आता है, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो फ्रेम हो जाएगा आंसर आसानी से, ठीक है? तो ये हो गया हमारा बेस्ट तरीका ये पोएम को प्रिपेयर करने। उसका प्रोज को कैसे प्रिपेयर करना है, सारे चैप्टर्स आपको पता होने चाहिए, सबकी समरी पता होनी चाहिए, ठीक है? आप समरी को एक एक बार लिख के देखोगे, देख के लिख लेना, मतलब सामने रेफरेंस बुक रखना उसमें समरी होगी उसको देख के पूरा लिख लो यार, आलस नहीं दिखाना आपको, काम करना है। नंबर चाहिए तो काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो ये तरीका है हमारा फ्लेमिंगो को प्रिपेयर करने का, वही हम अभी फॉलो करेंगे। हर चैप्टर की समरी पढ़ेंगे, हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं अभी बताऊंगा, और वो आप यहीं पे क्वेश्चन हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर मैं दूंगा, समझाऊंगा उसको, और फिर आप उसको लिख के देखोगे साथ के साथ, ठीक है? मैं उसका टाइम दूंगा, टाइम देने का मतलब पॉज कर देना आप वीडियो को, फिर अगले क्वेश्चन को देखना और उसको सॉल्व करना, ठीक है? तो ये हो गया बेस्ट वे टू प्रैक्टिस एज पर माई कन्वीनियंस। जो आपको अगर अच्छा लगे तो फॉलो करना, नहीं तो जैसे आपको अच्छा लगता है वो करो, ठीक है? उसके बाद हर चैप्टर से मैं कीवर्ड्स बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? मतलब जैसे कोई चैप्टर माई मदर 66 है, उनमें से जो कीवर्ड्स हैं तो उसके जो भी आंसर आता है तो उसमें लगभग वो सारे के सारे कीवर्ड्स को आपको चिपकाना है, ठीक है? तो वो आपको पता होने चाहिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? जो ये है तो ये हो गए 9 के 9 पॉइंट्स। जो आपके डाउट्स भी थे, कुछ आपके मतलब रेगुलर वो होते थॉट्स होते कि कैसे अटेम्प्ट करना है क्या, और कुछ मेरी तरफ से जो थे कि पेपर के टाइम क्या करना है कुछ वो। उसके बाद आता है 10वां तरीका कि या चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तब नंबर आ जाएंगे, ठीक है? तो ये 10 तरीके हैं, कर देना वरना पाप लग जाएगा, ठीक है? तो ये 10 तरीके हैं जो हम दिमाग में रखेंगे अपने प्रिपरेशन करने से पहले। तो अब इतना सब कुछ बताने के बाद अब डे 1 को स्टार्ट करेंगे हम फ्लेमिंगो की प्रिपरेशन के साथ, जो कि है अब पहले पोएम्स को कवर करेंगे, उसके समरी शॉर्ट समरी पढ़ेंगे कि उसमें है क्या पोएम में, मैसेज क्या देना चाह रहा है पोएट, और फिर उसके क्वेश्चंस को अभी साथ के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? आपके सजेशंस मिलते हैं मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में, मैं उसका ज़रूर यूज़ करता हूँ। और जो भी नॉवल के लिए आप वेट कर रहे हैं वो भी थोड़ा एक दो दिन और रुक जाइए, मैं कंप्लीट नॉवल पे हम वीडियो डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है? तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आपको डरना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को भर देना है, फाड़ देना है, आग लगा देना है, ठीक है? ये समझ रहे हैं? उसके बाद अब क्या करेंगे हम, अभी हम करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो शुरू। फ्लेमिंगो में कहाँ शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अब उसमें से क्या है, पहले पोएट का नाम पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे उसकी समरी को समझेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि साथ साथ हमें लग रहे हैं कि आ सकते हैं प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे कि क्या आया था पहले, और उसमें से कुछ हेल्प ले लेंगे, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आया है उस चैप्टर से वो भी कवर करेंगे। तो सबको हम यहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे, तो जाइएगा नहीं अभी आया, ठीक है? तो इसी के साथ अब हम शुरू करेंगे फ्लेमिंगो की प्रिपरेशन को, जो कि है आज हमारा पहला डे। अब बहुत ज़्यादा बकवास हो चुकी है, आपने 18 मिनट तक अगर सुना है वो जो एडवाइस है तो आपके पास टाइम अब बहुत कम बचा है। तो हम शुरू करेंगे फ्लेमिंगो की प्रिपरेशन, जो कि है पोएम से हम शुरू करेंगे, जो हमारा एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम वाला है चैप्टर उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा, फिर इसमें यूज़ हुए वर्ड्स कीवर्ड्स जो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आपको उसको उसमें फिल करना है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आपको अभी साथ साथ प्रैक्टिस करना है। होगा क्या, मैं आपको समरी बताऊंगा, समरी दिखाऊंगा, आपको वो पढ़ना है, लिखना है कॉपी में, फिर उसके बाद आगे की वीडियो देखनी है, फिर ऐसे अगला चैप्टर आएगा इसी वीडियो में, फिर आपको ऐसे करना है। तो पहले मैं इसकी समरी बता देता हूं। जो इसके पहले पोएट है उसका नाम स्टीफन स्पेंडर है, स्पेंडर, ठीक है? ये इसका पोएट का नाम है, और ये इसमें मैसेज ये देना चाहता है कि जो भी दुनिया है वो गरीबों को
दूर रखती है हर चीज़ों से, एजुकेशन से, उन फैसिलिटीज से, जो बेसिक फैसिलिटी होती है. तो ये जो पॉइंट है वो उन लोगों को बोल रहा है जो मतलब जो अमीर लोग गरीब को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते. तो ये मैसेज मिल रहा है पॉइंट से. और एजुकेशन किस तरीके से हमें अपने जो कंडीशन है उसको सर्वाइव करने की ताकत देती है, ये भी मैसेज मिल रहा है. तो पोएम में तीन मतलब पहले स्टेंजा में जो है वो ये है बताया गया है कि जो बच्चों की कंडीशन है स्कूल के अंदर, जो एक स्लम एरिया में एक स्कूल है उसमें जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल है. तो ये मिजरेबल कंडीशन को आप अंडरलाइन करेंगे, मतलब अलग से याद रखेंगे कि ये वर्ड आपको यूज़ करना है हमेशा, मिजरेबल कंडीशन, ठीक है. उसके बाद आगे उन्होंने बोला कि मिजरेबल कंडीशन है और उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट किया, इनहेरिट मतलब उनको अपने पेरेंट्स से गरीबी और बीमारी ही मिली है, तो ये भी आप लिखेंगे. और उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है. क्यों? क्योंकि एब्जेक्ट पॉवर्टी है. एब्जेक्ट पॉवर्टी को आप यूज़ करेंगे इस वर्ड को, ठीक है. उसके बाद उन्होंने बोला है, क्या बोला है, व्हेन दे हैव बीन, हाँ ये वर्ड हो गया, हाँ. और जो बच्चे हैं मैलनरिज्ड हैं, सिक है और हंग्री है, मतलब ये तीन वर्ड भी आप यूज़ करेंगे. मतलब उनकी नरिशमेंट कमज़ोर है, मतलब खाने पीने में की कमी है, कम बीमार है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और भूखे भी हैं, ठीक है. ये वर्ड आपको हर लाइन मतलब किसी भी तरह के क्वेश्चन आता है तो इन वर्ड्स से आपको हमेशा भरते रहना है उस आंसर को, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है. और जो क्लासरूम में जो पेंट है वो बहुत ज़्यादा डल है, जिससे जो ये सिंबलाइज हो रहा है कि उनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्लीक है. ब्लीक फ्यूचर वो जो वर्ड है आप इसको भी अंडरलाइन करेंगे, इसको भी यूज़ करेंगे अपने आंसर्स में, ठीक है. कटिंग नहीं करनी है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ. साफ साफ लिखना है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ. लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें पोएट ने बताया है कि जो दीवारें होती हैं क्लासरूम के, वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स टंगी हैं और उस पिक्चर से बच्चों के मन में क्या असर पड़ रहा है, उनको चोरी करने की इच्छा जाहिर हो रही है. टेम्प्टेड टू स्टील, टेम्प्टेड टू स्टील वर्ड भी आपको यूज़ करना है अगर इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो. अब चोरी करने की इच्छा क्यों जाहिर हो रही है, क्योंकि जो प्रॉस्पेरस वर्ल्ड है उससे उनको क्या लालच मिल रहा है, मतलब जो फोटो टंगी है उससे उनको इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, उनको उससे लालच मिल रहा है, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि एब्जेक्ट पॉवर्टी है, ठीक है. इतना क्लियर है. उसके बाद उन्होंने बोला कि उनको चुराने का मन करता है, फिर कुछ छूट ना जाए इसलिए मैं देख लेता थोड़ा सा. अब जो फोटो टंगी है वो उन्होंने उनकी इंस्पिरेशन के लिए टांगी थी, बच्चों की इंस्पिरेशन के लिए, कि इनको देख के पढ़ने का मन करे या जो भी है. लेकिन आयरनिकली, आयरनिकली का मतलब होता है जैसा दिखाना जैसा बोलना वैसा करना नहीं, जो शो हो रहा है वो तो हो ही नहीं रहा, असलियत कुछ और है, इसको आयरनी कहते हैं. तो आयरनिकली ये जो फोटो है इनकी वजह से उनको चोरी करने का मन करता है, उनका फ्यूचर वैसे बर्बाद हो रहा है उस क्लासरूम में, तो ये यूज़ हुआ है सेकेंड स्टैंजा में. उसके बाद लास्ट स्टैंजा में जो क्या नाम है इसका पोएट, इन्होंने बोला है शेक्सपियर को विग्ड. विग्ड का मतलब होता है ऐसा आदमी जो काफ़ी बुरा हो या बुरा मोरल शो करे, ऐसा मतलब उन्होंने बच्चों के लिए बोला. शेक्सपियर को कोई कमेंट नहीं किया गया वहाँ पे, बच्चों के लिए बोला कि ये जो है यहाँ पे जब ऐसी क्लासरूम में कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही है तो फ़ायदा क्या है उसकी फ़ोटो टंगने का, मतलब बोल देते ना तो उसको डिसरिस्पेक्ट करने का कोई वहाँ पे मतलब नहीं था पोइट का, बस वो एक बच्चों के गुस्से में, मतलब बच्चों को एजुकेशन मिल नहीं रही है वहाँ पे, क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं रही है, फिर ऐसे आदमी की फ़ोटो वहाँ पे लग के क्या करेगी, ये कहने का मतलब था उनका, ठीक है. उसके बाद है, ठीक है, लास्ट एंजा में उन्होंने बस बताया हमें, लास्ट एंजा में जो पोइट है उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से जो हम एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं बच्चों के ऊपर, किस तरीके से हम क्या क्या तरीके हैं जिससे बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन मिले और उससे होगा क्या, वो अपने जो फ्यूचर है, जो अपनी प्रेजेंट कंडीशन है उससे बाहर निकल सकते हैं. जो एजुकेशन है वो विंडो की तरह काम करेगा, डोर की तरह काम करेगा उस स्लम से निकलने के लिए उन बच्चों के लिए. तो ये उन्होंने बोला बाकी लोगों से, जो गवर्नमेंट है उनको कुछ काम करना पड़ेगा. तो ये जो है मिलीजुली समरी है इस चैप्टर की जो आपको पढ़नी है. अब मैं फ्लैश करूँगा उस चीज़ को, आप पॉज करेंगे वीडियो को, आप देख के लिखेंगे उस चीज़ को ताकि आपके दिमाग में वो रह जाए. फिर हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर से जो क्वेश्चन हमें करने हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या जिस तरह से आपको प्रैक्टिस हो जाए इस चैप्टर की, तो वो हम करेंगे, ठीक है. लिख लिख के देखते रहना है वो मैं कितनी बार बोला हुआ है, ठीक है. अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है. मैंने सोचा कि जो संडे वाला रात होगा उस टाइम आपके दिमाग में बहुत सारे जो है थॉट्स होंगे, बहुत सारे विचार होंगे कि क्या करना है अगले दिन, कैसे लिखना है, कुछ लिखना है. तो मैंने सोचा अगर आपको मतलब चाहिए कि मैं लाइव जाऊँ और आपके लाइव डाउट क्लियर करूँ,
तो उस टाइम पे मैं एक पोल यहाँ रखूँगा, वहाँ पे आप बता दें मुझे कि किस तरह से आपका रिस्पांस है, क्या आप चाहते हैं एक्चुअली, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ेंगे. आप, मैं फ्लैश करूँगा सामने स्क्रीन पे, आपने समरी लिख ली होगी मुझे जहाँ तक लग रहा है, और नहीं लिखी तो ज़रूर लिख लो यार, टाइम वेस्ट मत करो, वरना वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है. आए हो तो कुछ करके जाओ. ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो हर एक एक्सट्रैक्ट से है. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश करूंगा मैं, वो आप पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर भी मैं बता दूंगा, फिर वो भी आप लिख के देखेंगे. ठीक है, कोई इसमें टिपिकल चीज़ें नहीं है. ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है ये है, फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, द टॉल गर्ल विद द वेट डाउन हेड डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साई. तो ये जो है पहला एक्सट्रैक्ट है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जो आएगा ये इस तरह क्वेश्चन होंगे. वेयर डू यू थिंक आर दिस चिल्ड्रन सिटिंग, ये चिल्ड्रन कहाँ बैठे हैं. दिस चिल्ड्रन सिटिंग इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. वाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वेट डाउन, जो हेड है वो टॉल गर्ल का झुका हुआ क्यों है. तो वो इसलिए है, हेड ऑफ द टॉल गर्ल सिटिंग इन द क्लास इज वेट डाउन बिकॉज शी इज डिप्रेस्ड एंड कीप्स हर हेड डाउन अंडर द बर्डन ऑफ सैड थॉट. वो डिप्रेस है और उसको सैड थॉट्स की वजह से, मतलब जो उसके बुरे ख्याल है या जो दुख भरे उसके जिंदगी है उसकी वजह से वो हेड डाउन करके बैठी है. उसका अगला क्वेश्चन है हमारे सामने इसी पैराग्राफ इसी स्टैंडर्ड से, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साई, और वन ऑफ द बॉय सिटिंग इन द क्लासरूम इज एज थिन एज पेपर, देर इज हंगर इन हिज आइज लाइक अ रैट, ही इज ग्रीडली लुकिंग फॉर फूड. एक बच्चा जो होता है वो इतना पतला है कि पेपर की तरह पतला है, उसकी आंखें जो है चूहे की तरह बाहर निकली हुई है, किसी जैसे चूहा खाने को देख के करता है वैसे उसके अंदर इतनी भूख है उस, तो उसकी आंखें इस तरीके से है जो जैसे एक रैट की आंखें होती है. तो ये बताया गया है. उसके जो चौथा क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अपीयरेंस को डिस्क्राइब करना है. फेसेस ऑफ चिल्ड्रन अपीयर टू बी पेल विद द अनकैम्प्ड एंड अनटाइडी हेयर स्कैटर्ड ऑल ओवर. जो फेस है चिल्ड्रन का वो पेल है, मतलब पीला पड़ा हुआ है, और जो बाल है वो बिखरे हुए इधर उधर, कपड़े इधर से उधर फटे चुटे हैं. तो ये हमें इस क्वेश्चन में बताना था. ठीक है, अगला जो है वो है आपके सामने ये, जो अगला वो स्टैंजा है जिससे कुछ नएंगे वो ये इस स्टैंजा में है, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, वेयर आर देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद इन द लीड स्काई, फार फार फ्रॉम द रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स. ठीक है, ये वर्ल्ड्स. अब ये जो है इसमें से क्या क्वेश्चन आएंगे, वट डज द मैप ऑन द वॉल सिग्निफाई, जो मैप है वॉल के ऊपर उसको क्या सिग्निफाई कर रहा है. द मैप ऑन द वॉल सिग्निफाइज द एक्सक्लूसिव वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड प्रॉस्पेरस पीपल, जो मैप है उसे सिग्निफाई क्या हो रहा है, जो बाहर की दुनिया है जिसमें अमीर लोग रहते हैं वो सिग्निफाई हो रहा है हमारे सामने. ठीक है, हु आर दीज चिल्ड्रन, वॉट इज देयर वर्ल्ड लाइक, और ये बच्चे कौन है. ये बच्चे जो है वो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में जो एरिया में पढ़ रहे हैं उन बच्चों की कहानी है जिनको एजुकेशन जो है नहीं मिल रही है अच्छे तरीके से. फॉर दिस चिल्ड्रन देयर क्लासरूम एंड इट्स विंडो कंस्टिट्यूट देयर वर्ल्ड, दे आर कन्फाइंड टू द स्लम एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. ये जो आंसर है आपको जरूर लिख के देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बताया गया है बच्चों की दुनिया कहाँ तक है. तो बच्चों की दुनिया उसी क्लासरूम में शुरू होती है, उसी क्लासरूम में खत्म हो जाती है विंडोज तक. ठीक है, और उनको जो है अपॉर्चुनिटीज से रोका जा रहा आगे बढ़ने से, क्योंकि एजुकेशन तो मिल ही नहीं रहा, तो क्या कहाँ से आगे बढ़ेंगे. तो ये हमें बताना है. ठीक है, साफ सीधी बात है. What kind of future does the poet foresee for them? Poet को कैसा लगता है कि उनका future क्या होगा? तो the future of these children of the slum is uncertain and bleak. उनका future uncertain है, मतलब कुछ पता आता पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा उनका future, कुछ नहीं है, ऐसा poet मानता है. और bleak है, काफ़ी ज़्यादा धुंधला है, कोई मतलब scope नहीं है ऐसा. ठीक है, it is covered with the fog of इग्नोरेंस एंड अनसर्टेनिटी. ये उस धुंधलेपन से भरा हुआ है कि सब इग्नोर किए जा रहे हैं, इनके फ्यूचर के लिए कोई चिंता ही नहीं है. और क्या है, अनसर्टेनिटी है, मतलब कुछ अता पता नहीं है. देर इज़ नो होप फॉर देम एज दे आर नॉट गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन. उनके पास कोई होप नहीं है क्योंकि उनको क्वालिटी एजुकेशन तो मिल ही नहीं रही है. ठीक है, स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड रेफर टू द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर. Stars of the worlds, the type of education these children receive has nothing to do with the world of literature. In this school, they receive hardly any education. इनको जो है किसी भी तरीके की education नहीं मिलती. मतलब हमें explain करना था what kind of future, नहीं, explain far far from the rivers, caves and stars of the worlds. मतलब वो जो बच्चे हैं वो इस दुनिया से, मतलब जो बाहर की दुनिया है उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर है क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा. आपको घुमा फिरा के ये लिखना है क्योंकि उनकी एब्जेक्ट पॉवर्टी है, क्योंकि उनके जो एजुकेशन कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, सब इग्नोर कर रहे हैं उनकी चीज़ों को. तो इसलिए वो जो है बाहर की दुनिया से एकदम अनजान है, बेखबर है. ठीक है,
तो ये था सेकंड सेंजा. अब आते हैं हम थर्ड सेंजा की तरफ. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम द रिवर्स केप्स इन द स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, फिर से वही पैराग्राफ आया है. इसमें जो है हमें उस मतलब किस तरीके से और अलग तरीके के क्वेश्चन है ये हमें बताना है. ठीक है, अब व्हाट डज विंडोज एंड मैप सिंबलाइज, हमें बता दिया विंडोज और मैप सिंबलाइज क्या करते हैं. विंडोज सिंबलाइज द लाइफ ऑफ दिस चिल्ड्रन विच आर कन्फाइंड टू दिस स्लम. विंडोज अगर आता है क्वेश्चन में कि विंडोज किस चीज़ से वो है कन्फाइंड है, तो आपको बताना है कि विंडोज जो है वो बताता है कि उनकी जो बच्चे हैं उनकी जो लाइफ है वो वहीं तक कन्फाइंड है, वहीं तक रुकी हुई है, उससे आगे नहीं बढ़ रही है. और मैप हमें पता है कि बाहर के प्रॉस्पेरस जो दुनिया है और जो रिच पीपल है उनको सिंबलाइज कर रहा है. ठीक है, वॉट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर दिस चिल्ड्रन, फ्यूचर में क्या रखा है, उनका फ्यूचर ब्लीक है, अनसर्टेन है, ये आपको लिखना आंसर में. ठीक है, एक्सप्लेन द फ्रेज स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स वर्ड्स. स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स रेफर्स टू द लाइट ऑफ एजुकेशन लिटरेसी विच इज़ फार फ्रॉम द चिल्ड्रंस वर्ल्ड. स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स का मतलब जो लिटरेसी है, लिटरेचर है, एजुकेशन है, इनको सिग्निफाई किया गया है जो कि बच्चों से काफ़ी ज़्यादा दूर है, अभी उनको नहीं मिल रही है. ठीक है, वट डज द फॉग मीन इन द अवर लाइन, फॉग से क्या रेफर होता है. फॉग मीन्स फॉग इन द अवर लाइन रेफर्स टू द पॉल्यूटेड एयर हैंगिंग अबव द स्लम एरिया. इट ऑल्सो मीन्स हेजी एंड अनक्लियर. द पॉइंट मीन्स टू से द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रन अनसर्टेन एंड ब्लीक. फिर से वही आगे घूम फिर के उनका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, ब्लीक है. फॉग का मतलब ये है कि जो धुआं भरा हुआ है उनके आस पास स्लम में, और उसकी मतलब उससे रिलेट करते हुए पॉइंट ने कहा कि इसी तरीके से इनका फ्यूचर भी ऐसा ही है, इनका कुछ नहीं हो सकता जब तक इनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी सरकार द्वारा. फिर अगला जो हम बढ़ेंगे अगले स्टैंजा की तरफ. ऑन द एयर स्लैग हीप दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम. और इतनी बड़ी पोएट्री पढ़ दी है मैंने और मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया है. मतलब हमें नहीं समझना है, मतलब कि वही सब बातें हैं जो मैंने बताई पहले भी, जो समरी बताई थी. और इसके क्वेश्चंस जो है वो ये हैं, विच टू इमेजेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब दी स्लम. मतलब स्लम को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी दो इमेजेस को रेफर किया गया है, तो वो हमें याद रखना है स्लैग हीप एंड मेंडेड ग्लास. ये जो दो वर्ड हैं आपको याद रखना है स्लैग हीप्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ लिख लिख के देखोगे तो पेपर में अगर आता है ये क्वेश्चन तो आप लिख लोगे आसानी से. लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ये सब जो वर्ड्स है आर यूज टू डिस्क्राइब दीज स्लम्स विच हाईलाइट द ड्रीरी कंडीशन ऑफ दिस प्लेस. मतलब जो वर्ड्स कंडीशन है इस प्लेस की उसको डिस्क्राइब करने के लिए. उसके बाद व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डू दिस चिल्ड्रन लीड, मतलब किस तरह की लाइफ ये लोग जीते. दे लीड अ लाइफ ऑफ डिप्रेशन एंड हंगर, मतलब हर चीज़ से वंचित हैं ये लोग, डिप्रेटेड हैं और हंगर मतलब भूख की जिंदगी. दे आर डिनाइड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन इन द लॉन्ग रन. वो उस एक क्वालिटी एजुकेशन से वंचित है जिनसे वो आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से थ्रू द एक्सप्रेशन कहा गया. वॉट आइडियाज डज द पोएट कन्वे थ्रू द एक्सप्रेशन वियर स्किन्स peeped through their bones. इस लाइन से पोइट क्या कहना चाहता है. थ्रू द एक्सप्रेशन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स द पोइट कन्वेज द आइडिया डेट दीज चिल्ड्रन आर मेलनरिज्ड एंड बोनी. इससे ये बताना चाहते हैं कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा पतले हैं और मेलनरिज्ड है, मतलब इनको खाने पीने की दिक्कत है, मतलब इनको नरिशमेंट पूरा नहीं मिल रहा है. ठीक है, दे हैव हार्डली एनी फ्लैश ऑन देयर बॉडी एंड वन कैन सी देयर बोन्स प्रोजेक्टेड आउट ऑफ देयर स्किन. उनके मतलब मेरी तरह है, साफ सीधी बात है. ठीक है, ऐसे पतला सा जिसकी हड्डी हड्डी निकली हो, ऐसे बच्चे जिनको खाना नहीं मिलता हो, बशर्ते मैं खाना खाता हूँ यार. ठीक है, उसके बाद पिक आउट द सिनोनिम हैव अ लुक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. हैव अ लुक का सिनोनिम हमें बताना है. तो पीप्ड सिनोनिम का मतलब होता है सेम सिमिलर मीनिंग वर्ड्स. तो जो अगर सिनोनिम नहीं मिलता है आपको तो आप उसको छोड़ दें लास्ट पार्ट के लिए, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. अब क्या है, सिनोनिम हैव अ लुक मतलब देखना, इसका मतलब हमें ढूंढना था. तो मैं क्या करूँगा, अगर वो जो मुझे स्टैंजा दे रखा है मैं उसमें से सारे वर्ड अंडरलाइन करूँगा जो मुझे मुश्किल लगेंगे. तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तो पीप्ड वर्ड भी मैं अंडरलाइन करता ही, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड वर्ड है ही, और थोड़ा सा अनुमान लगा के मैं कर ही लेता. ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं. अब हम लास्ट है कि इसके बाद एक और, हाँ लास्ट है ये. अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज डेट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्ब्स ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. ये जो है हमारा लास्ट सेंजा है जिसके अंदर से क्वेश्चन आता है व्हाट डू द विंडोज इन द मैप सिंबलाइज. फिर से वही क्वेश्चन आया है, विंडो और मैप क्या सिंबलाइज करते हैं. तो विंडो जो है वो सिंबलाइज करता है हमारे किस चीज़ को, उनकी एरिया को जहाँ तक वो रहते हैं, मतलब वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस क्लासरूम से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. द एरिया डेट विच
दे आर कन्फाइंड टू मूव ऑन, मतलब उतनी ही दूरी तक वो रह सकते हैं. विंडो मैप से क्या सिंबलाइज होता है पहले बता चुके. वॉट रोल शुड द गवर्नर इंस्पेक्टर एंड विजिटर प्ले, मतलब इनको क्या रोल प्ले करना चाहिए. द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स आर द मेकर्स ऑफ पॉलिसी, ये पॉलिसी बनाते हैं. इफ दे हाँ अगर वो अच्छे लॉ अप्रोप्रिएट फ्रेम करेंगे, अप्रोप्रिएट लॉ फ्रेम करेंगे तो इन बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, ताकि ये अपनी जो कंडीशन है उससे आगे बढ़ सकते हैं. ये सब आपको लिखना है, ठीक है. एक्सप्लेन द रेफरेंस टू कैटाकॉम्स. कैटाकॉम्स क्या होती है. कैटाकॉम्स आर द सबटेरियन सिमेट्रीज लाइक द ब्लैक होल्स ऑफ कोलकाता. दीज चिल्ड्रन लिव इन क्राउडेड स्लम विच आर लाइक कैटाकॉम्स. कैटाकॉम्स आल्सो सिमिलाइज डार्कनेस एंड इलिटरेसी दैट सराउंड देम. कैटाकॉम्स का मतलब होता है सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब शमशान घाट, जहाँ पे लाशें होती हैं, जहाँ पे किसी का कोई फ्यूचर नहीं होता. तो इनसे बताया गया इलिटरेसी को डिनोट किया गया है, ब्लीक फ्यूचर को डिनोट किया गया है बच्चों को कैटाकॉम्स की वर्ड से, ठीक है. गिव द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट. पोएम का नाम और पोएट का नाम बताइए. तो मुझे नहीं पता ना आपको पता है, आगे बढ़िए, ठीक है. तो इस पोएम में था इतना ही. अब जो मैंने क्वेश्चन करा आप इन सबको लिख के देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है साथ साथ पॉज कर करके अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये. और नहीं देख रहे हैं तो देख लो यार प्लीज़. थोड़ी सी मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है, आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल हो सकते हैं ये. तो अब बढ़ेंगे अब अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है. उसको हम पढ़ेंगे फिर से उसकी समरी. और तो अब है अगला चैप्टर हमारे सामने अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने, जो कि इसके पोएट हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे फिर से इसकी समरी को अच्छे तरीके से, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जिस तरह ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उसको भी डिस्कस कर लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं अब इसकी समरी को, जो कि है अब थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या है. मतलब कि इस पोएम में हमें बताया क्या गया है, जो पोएट है ये बताना चाहता है कि जो ब्यूटी है लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ब्यूटी. सुंदरता, सुंदरता का मतलब फेशियल ब्यूटी नहीं, जो हमारी नेचर की ब्यूटी है उसकी बात हो रही है यहाँ पे. फेशियल ब्यूटी मैं तो नहीं हूँ, ठीक है. हाँ, नेचर की जो ब्यूटी की बात हो रही है उसकी बात हो रही है, ठीक है. तो वो हमें पॉइंट ने बताया है कि वो क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में और वो क्या काम करती है. जो भी नॉर्मल ब्यूटी है, मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, वो हमें टेम्प्ररी जॉय देती है. टेम्प्ररी जॉय का मतलब थोड़ा सा मज़ा आता है, टेम्प्ररी मज़ा आता है, थोड़ी देर के लिए मज़ा आता है. लेकिन जो ब्यूटी है लाइफ की, वो हमें एटर्नल जॉय मिलता है, मतलब ज़िंदगी भर का, मतलब अनंत जॉय मिलता है हमें उससे, ठीक है. और जो ये है ब्यूटी है, इसकी जो सुंदर मतलब जो सुंदरता है किसी भी चीज़ की, वो कभी ख़त्म नहीं होती, जबकि वो टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है. और इस चीज़ को बाकी चीज़ से कंपेयर करें तो जैसे जैसे धीरे धीरे हर किसी का अंत आता है, हर चीज़ की एक एंडिंग होती है, ब्यूटी की एंडिंग नहीं होती. लेकिन इसकी जो सुंदरता है, इसका जो प्यार है, वो बढ़ता जाता है. इट्स लविंगलेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. और ये जो है किसके लिए, मतलब ये जो वर्ल्ड है हमारा काफ़ी ज़्यादा डार्क है, हमें बहुत गलत तरीके करने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं. सो पेन और दर्द भरा हुआ है इस संसार में. तो इस सब से जो है हमें बचा के रखता है ब्यूटी, जो कि हमें एक तरह से बेड की तरह काम करता है, जहाँ पे हम एक आराम से, हम छाए की तरह, जहाँ पे हम जाके सो सकते हैं, जहाँ पे हम जाके अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम अपने सपने देख सकते हैं वहाँ पे, ताकि हमारे जो विचार है, हमारे थॉट्स है, वो खुले रहे हमेशा और हमारा मन हमेशा शांत रहे, बना रहे. ब्यूटी को यहाँ पे पॉइंट ने बोला है कि ये जो है हमें इस तरीके से अर्थ से बांध के रखता है हमेशा के लिए, जिससे हम जो है परेशान नहीं रहते हैं और इस दुनिया में हमेशा साथ में रहने की कोशिश करते हैं सबके साथ, ठीक है. क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो बॉन्ड होता है और अर्थ से जाने की बाहर को मतलब मरने की कोशिश करता है. जिसको मरना पसंद है उन चीज़ों से बचाने के लिए जो ब्यूटी है वो काम आता है यहाँ पे, ठीक है. अब वहाँ पे यही बताया गया कि जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क प्लेस है, जिनमें हमें डार्क पाथ पे फॉलो करना पड़ता है. कई सारे ऐसे मेथड होते हैं जिनको हम करने के बाद जो हमारा मन है वो ख़राब हो जाता है. मतलब कि जो बुरे कर्म है दुनिया में, वो उनकी बातें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है. तो उस सब से जो है ब्यूटी हमें बचा के रखता है, ब्यूटी जो है हमें बाइंड करके रखता है इन सब चीज़ों से. पॉइंट ये बताना चाहता है, कहा गया एक लाइन है, इन दिस मोमेंट्स ऑफ सोरो एंड पेन ब्यूटी एलिवेंस आवर स्पिरिट्स, मतलब हमारे आत्मा को फिर से जिंदा कर देता है इन सारे पलों में. एंड प्रोवाइड्स अस विद अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ वंडर एंड जॉय, और हमें प्रोवाइड कराता है ऐसे वंडर्स मोमेंट के और खुशी के ऐसे एक दो अच्छे खासे पल, ये बताया पॉइंट ने. फिर लास्ट वाले जो पैराग्राफ है उसमें पॉइंट ने बताया है कि किस तरीके से जो मतलब थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब किन किन चीज़ों से हमें ब्यूटी रिप्रेजेंट होती है वो बताया गया है. तो देर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स डेट आर एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय लाइक द सन मून यंग एज वेल एज ओल्ड ट्रीज विच प्रोवाइड शेड टू स्लीप डेफोडिल्स प्योर स्ट्रीम्स विद कूल वाटर विच कैन रिफ्रेश इन द हीट ऑफ समर सन एंड मस्क रोजेस ब्लूमिंग इन द फॉरेस्ट. तो इन सब को जो है वो पॉइंट ने बोला है कि ये ब्यूटी की तरह काम आता है, ये सुंदरता को बढ़ाते हैं. इन सब से हम जो है एटर्नल जॉय का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो ये
सूरज चांद गुलाब के फूल या बहती हुई धारा ये सब जो है ठीक है. उसके बाद द पोइट ऑल्सो फाइंड्स ब्यूटी इन इन इमेजिनरी स्टोरीज पीपल हैव मेड अबाउट डेथ एंड लवली स्टोरीज दैट ही हैज़ हर्ड. उन्होंने बोला कि ब्यूटी जो है डेथ की इमेजिनरी स्टोरी में भी है और लवली स्टोरीज में भी ब्यूटी है, तो हर जगह उन्होंने ब्यूटी को सिग्निफाई किया. अकॉर्डिंग टू द पोइट थिंग्स ऑफ ब्यूटी लाइक एन एंडलेस फाउंटेन पोरिंग ऑन अस फ्रॉम द हेवेंस. उन्होंने बोला कि जो ब्यूटी के सोर्स है वो एक धारा की तरह है जो हमारे लिए स्वर्ग से बह रही है, मतलब हमेशा बहती रहती है और ये हमें हमारे मन को हमारे तन को हर चीज़ को शांत करके रखती है, इस दुनिया से जोड़ के रखती है, हमें सुंदर बनाती है. विच सिग्निफाइज द गॉड हिमसेल्फ मेड दीज ब्यूटीफुल थिंग्स सो डैट वी मे हैव हैप्पीनेस काम एंड पीस आवर लाइफ. और ये जो सुंदर चीज़ें हैं ये भगवान ने खुद बनाए हमारे लिए ताकि हम जो है एक पीसफुल और रेस्टफुल लाइफ को जी सके, ताकि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो तो हम इनके आसपास घिरे रह के अपने थॉट्स को खुल के सामने रख सके. तो ये था इस पोएम में जो इसकी समरी थी वो थी ये. अब क्या है इसके जो कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं और उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे. अभी मैंने आपको पोएम की समरी जो है फ्लैश किया, आपको इसको पूरा लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पूरा लिख के देखना है ताकि आप जो है एक बार में अभी के साथ साथ इस एक घंटे के वीडियो में आप सारे कवर कर ले, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. उसके बाद आप चलिए एक्सट्रैक्ट को मैं फ्लैश करता हूँ, आप उसको पॉज करके लिख ले या पढ़ ले और क्वेश्चन को भी पढ़ ले. तो जो पहला एक्सट्रैक्ट है हमारा वो ये है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अ पावर अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. ये था हमारा एक्सट्रैक्ट. इसके क्वेश्चन क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, एक्सप्लेन, हमें इस बात को एक्सप्लेन करना है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा के लिए रहती है. तो इसको एक्सप्लेन क्या करेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ जॉय डेट इज कॉन्स्टेंट नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होता. द ब्यूटी ऑफ अ थिंग इज एटर्नल एंड इट्स इंक्रीजिंग एज टाइम पासिस बाई, ये अमर है और कभी मरने वाला नहीं, कभी खत्म नहीं होगा. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इसकी सुंदरता और बढ़ती चली जाती है और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ खत्म हो जाएगा. इट हैज़ अ परमानेंट इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड, परमानेंट इम्पैक्ट होता है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाई अ ब्यूटीफुल थिंग डज नॉट पास इन टू नथिंगनेस, कोई भी सुंदर चीज़ कभी भी खत्म क्यों नहीं होती ये बताना हमें. तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी डज नॉट पास इन टू नथिंग बिकॉज एज अ टाइम पासिस ब्यूटी इंक्रीजेज ओनली, ब्यूटी इज एटर्नल एंड लिव्स फॉर एवर, क्योंकि जो ब्यूटी है वो टाइम के साथ साथ खत्म नहीं होती, क्योंकि वो बढ़ती रहती है हमेशा साथ साथ, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो फेड हो रही है, हमेशा बढ़ती रहती है, इसलिए कभी वो खत्म नहीं हो सकती. जो चीज़ लो होगी वो खत्म होगी, जो चीज़ बढ़ती रहेगी वो खत्म कैसे हो सकती है. ठीक है, ये एटर्नल है, इसका जॉय हमेशा एटर्नल रहता है और यही है इसका आंसर. ठीक है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय अ बोअर क्वाइट फॉर अस, अ बोअर क्वाइट फॉर अस से मतलब क्या है. राइट आउट ऑफ द फ्रेज अ बोअर क्वाइट फॉर अस is a quiet bore for us. The word quiet means calm, silent and peaceful. Beauty is like a shady grove in which we can sit and relax or enjoy a sound sleep full of dreams. It refreshes and re-energizes us. इसका साफ साफ मतलब है कि ये शांत, पीस और काम हमें बना के रखता है, जिससे हम जो है इस दुनिया का एक तरह से जॉय हासिल कर सके. हर जगह हम सपने देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं आराम से, हमें चैन की नींद आ सकती है ब्यूटी की वजह से. ठीक है, उसके बाद गिव द राइम स्कीम इन द अबव लाइन्स, राइम स्कीम्स क्या होती है, जिस तरीके से राइमिंग बनी होती है, ए ए और बी बी है इसका. ठीक है, राइमिंग स्कीम. उसके बाद अगला पैराग्राफ है हमारे सामने, मतलब जो स्टैंजा है वो यह है, देयर फॉर एन एवरी मोरो वी आर रेथिंग अ फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ ह्यूमन इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नॉर्मल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी और अनडार्क और एयर डार्कंड वेज मेड अस फॉर आवर सर्चिंग. ये है हमारा सेकेंड कंप्रेंशन, जिससे जो है क्वेश्चन आएंगे तो ये आ सकते हैं. वट आर द फ्लावर बैंड एंड बाइंड अस टू अर्थ, मतलब क्या ऐसे फ्लावर बैंड है, कौन से ऐसे फ्लावर बैंड जो हमें बाइंड करके रखता है अर्थ से. द ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट इन नेचर अराउंड अस लाइक द फ्लावर ब्यूटीफुल फ्लावर्स डेट वी सीम टू रेथ इन टू अ फ्लावरी बैंड एंड डेट कीप्स अस कनेक्टेड. जो भी सुंदर चीज़ें हैं दुनिया में, जो फ्लावर्स हो गया, मून हो गया, सन हो गया, ये सब हमें एक दूसरे से बाइंड करके रखता है. ये हमें इसका आंसर लिखना है. ठीक है, उसके बाद Why do we wreath ourselves with a flower band every morrow? हम हमेशा अपने फ्लावर बैंड से अपने आप को क्यों बांध के रखना चाहते हैं. We wreath ourselves with flower bands every morrow because we don't want to quit this earth. हम इस अर्थ को क्विट नहीं करना चाहते हैं. Everyone wants to continue living on this planet. हर कोई इस प्लानट पर रहना चाहता है in spite of all the problems, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है,
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द व्हाट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ आवर लाइफ, जो नॉर्मल कोर्स है हमारी लाइफ का वो पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है. तो ये है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट द नॉर्मल कोर्स ऑफ आवर लाइफ इज दैट इट इज अ फुल ऑफ सैडनेस क्रुएलिटी लैक ऑफ नोबल वेज एंड द पाथ वी फॉलो आर ऑफन अनहेल्दी एंड ओवर डार्कंड. मतलब जो हमेशा जो हमें पाथ को फॉलो करना है वो अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, अनडार्कंड नहीं होना चाहिए. जो कि हम कर रहे हैं वो पॉइंट ने बताया है कि बुरे रास्ते पर नहीं चलना है, गलत रास्ते पर नहीं चलना है. तो ये सब पॉइंट ने बताया है हमें. ठीक है, तो ये था इस चैप्टर की समरी के साथ साथ इसका एक दो क्वेश्चन जो कि जिस तरीके से पेपर में आ सकता है इन्हीं में से एक्सट्रैक्ट आएंगे. इनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लिख लिख के देखने हैं और प्रैक्टिस करनी है. अब मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पेंड करूँ, अगली वीडियो अभी 2-3 घंटे में अपलोड करूँगा ताकि वो फ्रेश रहे. मतलब जो एक साथ अब इतना सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे आप, तो पहले इतना प्रिपेयर करो, फिर आज के दिन ही मतलब डे वन में ही हम अगले शिफ्ट में अगली प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. अगर मुझे बताओ आप नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरह का लगा ये वीडियो पूरा पूरा, जिससे आपको किस तरह से हेल्प मिली हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप यूज़ करके मुझे बता सकते हैं. और सब्सक्राइब उसके तो बाद में करना, तो पेपर के बाद की बात है, अगर नंबर आ जाए तो कर देना वरना मत करना चलेगा, जैसे आपकी मर्जी है. और मुझे क्या बताना था, हाँ, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे ईमेल भी करके पूछ सकता है, वहाँ पर फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा ज़रूर. ऑब्वियसली अभी ज़रूरत है आपको, तो हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं. अभी ये था हमारा फर्स्ट शिफ्ट, डे वन का फ्लेमिंगो का प्रिपरेशन का. अब सेकंड शिफ्ट में जो बाकी के बचे 2 पोएम हैं और जितने भी रीडर वाला पार्ट है उसको हम कवर करेंगे कि क्या ऐसा है, क्या मेरी तरफ से टिप्स है, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए उसको, कैसे क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, मैं पहले बता चुका हूँ, आपको लिख लिख के देखते रहना है. ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, एंड करते हैं. टाटा बाय बाय.